जी श्याम सुंदर जी खांडल पूछते हैं कि सर आपसे सहमति से तलाक हुआ, क्या महिला को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? प्रत्येक राज्य के जो अपने सर्विस बुक रूल है उनके अकॉर्डिंग यह बात देखी जाती है, और वैसे भी डाइवोर्सी महिला के लिए लगभग प्रत्येक स्टेट के अंदर रिजर्वेशन की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। आपसी सहमति से तलाक हो या फिर सेक्शन 13A के अंदर डाइवोर्स हुआ है, डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट हुई है, तो उसका लाभ रिजर्वेशन कैटेगरी में रिजर्वेशन बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। हमारे फेसबुक फॉलोअर हुकुम सिंह जी लिखते हैं, सर स्टाम्प की लिखा पढ़ी कितने समय तक मान्य रहती है? तो देखिए, यदि आपने किसी से लेन देन, कोई भी इकरार, कोई भी एग्रीमेंट कर रखा है, यदि उस एग्रीमेंट लिखा पढ़ी इकरार के अंदर आपने टाइम बाउंडेशन यदि डाल रखा है तो ठीक है, पर यदि कोई भी टाइम आपने उस स्टाम्प एग्रीमेंट में मेंशन नहीं किया है तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका वो नोटराइज स्टाम्प जो कि आपने तैयार किया हुआ है वह तैयार करने की तारीख से निष्पादन किए जाने की तारीख से केवल और केवल 3 साल वैलिड रहेगा। उस संदर्भ में कोई विवाद, दावा या कुछ भी चीज आप संस्थित करना चाहते हो कोर्ट में तो वह केवल 3 साल ही वैलिड रहेगा, यह मुख्य बात है। चेक बाउंस के मामले में क्या नोटिस का जवाब देना चाहिए? जी हाँ, चेक बाउंस होकर जब भी आपके पास नोटिस आता है तो आपको उस नोटिस को लेना है, और आपकी जो प्रतिरक्षा है, आपके जो पॉइंट्स है, किस तरीके से चेक अनादरण का अपराध आपके ऊपर नहीं बनता है, एक लीगल नोटिस का आपको लीगल रिप्लाई अपने एडवोकेट के थ्रू देना ही चाहिए, ताकि जब आपके ऊपर चेक अनादरण का मुकदमा चले तो आप उसके आधार पर आप अपना डिफेंस कर पाए कि आपने जब चेक अनादरण होकर आपको नोटिस मिला तो आपने उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया था और वही आपके डिफेंस का कारण। हमारे एक फेसबुक फॉलोअर गोपाल जी शर्मा पूछते हैं कि सर चेक देने वाला व्यक्ति जेल में है तो क्या उसके ऊपर चेक बाउंस का केस चल रहा है तो जेल में तामील हो जाएगी? जेल में तामील बहुत आसानी से हो जाएगी। आप केवल ये लिखेंगे कि व्यक्ति जेल में है, उसका समन या वारंट जो भी है वह तामील करा दिया जाए, बाकायदा जेलर द्वारा उसकी तामील करा दी जाएगी। लेकिन यहां पर हम आपको एक सलाह देंगे, ऐसी अवस्था में आपको तामील नहीं करवानी चाहिए। क्यों नहीं करवानी चाहिए? कुछ बातें सोशल मीडिया पर खुले प्लेटफॉर्म पर नहीं बताई जा सकती है। आप अपने क्षेत्र के अपने मिलने वाले एडवोकेट से मिलकर इस मैटर में डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि हमने ऐसा। हमारे फेसबुक फॉलोअर शिव कपूर जी कहते हैं, सर मैंने रजिस्ट्री करवाई और रजिस्ट्री के अंदर जो चेक पेंशन थे वो चेक बाउंस हो गए, क्या रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी? जी नहीं, रजिस्ट्री तो हो चुकी और चेक आपके बाउंस हो गए, तो ऐसी अवस्था में आपको सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देके अपनी राशि की मांग करनी होगी, और अगर वो राशि नहीं लौटाता है तो ऐसी अवस्था में आपको रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन का आपको केस फाइल करना होगा, तभी आपके द्वारा की गई रजिस्ट्री कैंसिल हो पाएगी। बाकी आप यह ना सोचें कि रजिस्ट्री ऑटोमेटिक कैंसिल होगी। हमारे एक फॉलोअर सैफ खान पूछते हैं कि सर एक व्यक्ति ने लाखों रुपए का फ्रॉड किया और वह यूपी में रहता है तो क्या मैं दिल्ली में केस कर सकता हूं? देखिए, इस प्रश्न का जवाब यह है कि उस व्यक्ति ने जो फ्रॉड किया है आपके साथ वह कौन से एरिया में किया है। यदि उसने यूपी में फ्रॉड किया है तो आप यूपी में FIR दर्ज करा सकते हैं, यदि उसने साथ आपके साथ ये दिल्ली में फ्रॉड किया है तो आप दिल्ली में FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि फ्रॉड आपके साथ ऑनलाइन हुआ है और आपने दिल्ली में रहकर यदि ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की है तो आप दिल्ली में भी केस फाइल कर सकते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आपके साथ जो घटना घटी वो घटना घटने का क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र के आधार पर, उस क्षेत्र की क्षेत्राधिकार के आधार पर आप उस क्षेत्र में केस फाइल कर सकते हैं। प्रमोद जी जोशी पूछते हैं कि सर अपना वकील जब सामने वाली पार्टी से मिल जाए तो क्या हम वकील बदल सकते हैं?
देखिए, जब भी आपके मन में इस तरह का आभास होता है या भ्रम पैदा होता है कि आपका वकील सामने वाली पार्टी के पक्ष में है और आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, ऐसी अवस्था में यदि आप वकील चेंज करना चाहते हैं तो यह आपका अधिकार है कि आप अपना वकील चेंज कर सकते हैं। आप जनरली अपने वकील से अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे कि एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहा जाता है, आप अपने वकील से प्राप्त करके वह दूसरे वकील को दे सकते हैं। वह आपकी तरफ से पैरवी करते हुए अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि आप जब अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगते हैं तो वकील साहब जो भी आपके हो वह सहजता से आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर